Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So, आज का वीडियो तो बेसिकली एक पार्ट टू वीडियो है मेरे फर्स्ट लाइन आर्ट पेंटिंग का। जैसा कि मेरे फर्स्ट लाइन आर्ट पेंटिंग में मैंने बाल कृष्णा को डिपिक्ट करने का ट्राई किया था थ्रू लाइन आर्ट, इन दिस वीडियो आई विल बी ट्राइंग लॉर्ड शिवा थ्रू लाइन आर्ट पेंटिंग। आई होप यू ऑल गाइज एंजॉय द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो प्रोसेस हमारा वही सेम रहेगा। सबसे पहले हम अपने शीट पे कुछ रैंडम शेप्स बना लेंगे। सारे शेप्स बन जाने के बाद अब हम अपने शेप्स में कलरफुल करना स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली हम ट्राई करेंगे कि हमारे जितने भी शेप्स हैं सब में हम थोड़ा अर्थी टोन्स के कलर्स ही फिल करेंगे। सो इस टोन के कलर्स को बनाने के लिए बेसिकली हमें कुछ नहीं करना होता है, हम सारे प्राइमरी कलर्स में ब्लैक एंड ब्लू मिक्स करके ये कलर बहुत ही इजीली बना सकते हैं। एंड ब्लैक एंड ब्लू का अमाउंट बहुत ही ज्यादा कम होगा सो दैट कि ये कलर्स बहुत ही ज्यादा डार्क ना लगे। सो एक एक करके हम सारे शेप्स में कलर फिल कर लेंगे। सारे शेप में कलर फिल हो जाने के बाद हम शीट को सूखने के लिए रख देंगे। शीट सूख जाने के बाद अब हम अपना बेसिक स्केच स्टार्ट करेंगे। सो जैसा कि मैं यहाँ लॉर्ड शिवा को डिपिक्ट करने वाली हूँ, सो मैं उनके सारे की एलिमेंट्स के थ्रू उनको डिपिक्ट करूंगी, जैसे कि उनका स्नेक। मैं एक एक करके उनके सारे की एलिमेंट्स को ड्रॉ करते जाऊंगी। ज्यादा डिटेलिंग्स नहीं ऐड करेंगे हम, बस जितने भी की आउटलाइंस वाले डिटेलिंग्स होंगी हम बस उनको ही ड्रॉ करेंगे। फटाफट से मैं उनका त्रिशूल भी बना लूंगी क्योंकि वो भी एक आइडेंटिफिकेशन है उनके रूप का। सो बेसिकली लाइन आर्ट पेंटिंग में हम यही करते हैं कि जिस भी चीज का हम पेंटिंग बना रहे हैं उनके सारे की एलिमेंट्स के थ्रू हम उस फिगर को डिपिक्ट करने का ट्राई करते हैं। रफ स्केच कंप्लीट होने के बाद अब हम अपने पेंटिंग को डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे आउटलाइन के लिए मैं माइक्रोन पेन को यूज कर रही हूँ। सो बेसिकली अब हम अपने ड्राइंग्स में जो भी लाइंस को ड्रॉ करेंगे वो एक कंटिन्यूएशन शो करेगा, कोई भी लाइन इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। हर एक लाइन हम लोग ऐसा शो करेंगे कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड है सो दैट कि वो लाइन आर्ट वाला फील आए ड्रॉइंग में हमारे। सो एक एक करके जो भी पार्ट्स को हमने पेंसिल से ड्रॉ किया था उसको हम माइक्रोन पेन से डिफाइन करते जाएंगे। एंड ऑल्सो अगर आप इस पीस को रिक्रिएट कर रहे हैं या फिर लाइन आर्ट में कुछ भी ट्राई कर रहे हैं तो मेक श्योर यू शेयर इट विद मी ऑन माय इंस्टाग्राम पेज और यू कैन ऑल्सो मेल दैट टू मी। सबका डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये ड्राइंग अच्छा लग रहा होगा। प्लीज कमेंट डाउन बिलो कि आपको होल प्रोसेस कैसा लग रहा है। सो बेसिकली लाइन आर्ट पेंटिंग बनाना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसे बहुत ही लोग ऐसे होते हैं जिनको ड्राइंग बहुत ही ज्यादा पसंद है बट वो कुछ क्रिएट नहीं कर पाते खुद से, तो वो लाइन आर्ट पेंटिंग बहुत ही इजीली ट्राई कर सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना होता है, बस कुछ रैंडम शेप्स में कलर फिल करके लाइंस के थ्रू ही अपने एलिमेंट्स को डिपिक्ट करते हैं। तो यहां हमारा पेंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है।
So that's all for this video, guys. I hope you all like the video. If you like the video, please make sure you hit the like button and subscribe to my channel.